सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आज हम सॉललैंड सीरीज की बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर निंग रोंग रोंग की सोल्डिंग के सॉल स्किल की बात डिटेल में करेंगे और साथ ही साथ उसके सोल बोन के पावर को भी जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि निंग रोंग रोंग एक टूल टाइप सपोर्ट सॉल मास्टर है और उसकी मार्शल सोल 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा है, पर उसकी मार्शल सोल पहले 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा थी। शायद ये उसके जेनेटिक रीजन के कारण था, क्योंकि निंग रोंग रोंग के फादर यानी कि निंग फेंगजी के पास भी 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा ही था और यहाँ तक कि पूरे ट्राइब के पास सिर्फ 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा ही है और इसी वजह से कोई भी लेवल 70 को क्रॉस नहीं कर सकता। पर जब तैंगसेंग ने निंग रोंग रोंग को एक पावरफुल फ्लावर हब दिया जिसका नाम सिल्क वोवेन टूलिप फ्लावर था, उस हब को खाने के बाद निंग रोंग रोंग की सोल पावर 6 लेवल तक तो बढ़ ही गई और साथ ही साथ उसकी 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा इवॉल्व होकर 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा में अपग्रेड हो गई थी। यानी कि अब निंग रोंग रोंग एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन सकती है। तो अब हम निंग रोंग रोंग के सोल रिंग और सोल स्किल की बात करते हैं और इसमें हम निंग रोंग रोंग के सीगोट ट्रायल के पहले के सोल रिंग्स और सीगोट ट्रायल के बाद के सोल रिंग्स में हुए चेंजेस की भी बात करेंगे। अब क्योंकि निंग रोंग रोंग एक अमीर घराने से बिलोंग करती है, इसलिए उसकी सारी सोल रिंग्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर को किसी भी सोल रिंग को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक एब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जैसे जैसे निंग रोंग रोंग की सोल पावर बढ़ती जाएगी, उसकी सोल रिंग्स की सपोर्ट पावर भी बढ़ती जाएगी। इसलिए निंग रोंग रोंग को उसकी पहली सोल रिंग एक 300 साल से ज़्यादा के स्ट्रेंथ टाइप सोल बिट से मिलती है, जिससे वह किसी भी सोल मास्टर की स्ट्रेंथ को 10% तक बढ़ा सकती है। और शुरुआत में इस सोल रिंग की कलर येलो होती है, जो सीगोट ट्रायल के बाद बदलकर पर्पल हो जाती है और इस सोल रिंग की एज बढ़कर 8300 साल से ज़्यादा के सोल बिट जितनी हो जाती है। और अब इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की स्ट्रेंथ को 90% तक बढ़ा सकती है। निंग रोंग रोंग की दूसरी सोल रिंग 600 साल से ज़्यादा के स्पीड टाइप सोल बिट से मिली होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी सोल मास्टर की स्पीड को 20% तक बढ़ा सकती है और साथ ही साथ फर्स्ट सोल रिंग की स्ट्रेंथ स्किल को भी 20% तक बढ़ा सकती है। शुरुआत में इस सोल रिंग की कलर भी येलो ही होती है, जो सीगो ट्रायल के बाद बदलकर पर्पल हो जाती है और इस सोल रिंग की एज बढ़कर 8600 साल से ज़्यादा के सोल बिट जितनी हो जाती है। और अब इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की स्पीड को 90% तक बढ़ा सकती है। अब निंग रोंग रोंग की तीसरी सोल रिंग एक 2000 साल से ज़्यादा के सोल बिट से मिली होती है और इस सोल रिंग की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की सोल पावर को 30% तक बढ़ा सकती है और लेवल 30 को पार करने के बाद अब वो स्ट्रेंथ और स्पीड को भी 30% तक बढ़ा सकती है। शुरुआत में इस सोल रिंग की कलर पर्पल होती है, जो कि सीगो ट्रायल के बाद बदलकर ब्लैक हो जाती है और इस सोल रिंग की एज बढ़कर 10000 साल से ज़्यादा के सोल भी जितनी हो जाती है। और अब इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की सोल पावर को 90% तक बढ़ा सकती है। निंग रोंग रोंग की ये सोल स्किल बहुत ही खास होती है, क्योंकि 90% तक सोल पावर बढ़ाने पर उस सोल मास्टर की सोल पावर नेक्स्ट लेवल को ब्रेक कर देती है, जिस वजह से वो सोल मास्टर पहले से दुगना पावरफुल हो जाता है और कंटिन्यूस बफ मिलने पर सोल पावर ड्रेन होने की परसेंटेज भी कम हो जाती है। अब हम निंग रोंग रोंग के चौथे सोल रिंग की बात करते हैं, जो कि उसे एक 4000 साल से ज़्यादा के यूनिकॉर्न आर्मर्ड बीस्ट से मिलती है। इस सोल बीस्ट को मिस अर्लोंग ने निंग रोंग रोंग के लिए पकड़ा था और इस सोल बीस्ट से निंग रोंग रोंग को पर्पल कलर की सोल रिंग मिलती है। इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की डिफेंस पावर को 40% तक बढ़ा सकती है और लेवल 40 होने के कारण वो स्ट्रेंथ, स्पीड और सोल पावर को भी 40% तक बढ़ा सकती है। और जब निंग रोंग रोंग सीगो ट्रायल्स को पास कर लेती है तो ये पर्पल सोल रिंग बदलकर ब्लैक हो जाती है और इस सोल रिंग की एज 12000 से ज़्यादा की यूनिकॉर्न आर्मर सोल भी जितनी हो जाती है। और अब इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की डिफेंसिव पावर को 90% तक बढ़ा सकती है। निंग रोंग रोंग की पांचवी सोल रिंग एक ब्लैक कलर की सोल रिंग होती है, जो कि 12000 साल से ज़्यादा के अटैक टाइप सोल बीस से मिली होती है और इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर के अटैक पावर को 50% तक बढ़ा सकती है।
इसके साथ साथ अपने बाकी सोल रिंग्स की सोल स्किल यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, सोल पावर और डिफेंसिव पावर को भी 50% तक बढ़ा सकती है। इसके बाद जब निंग रोंग रोंग सीगो ट्रायल को पास कर लेती है तो इस सोल रिंग की एज बढ़कर 20,000 से ज़्यादा के सोल भी जितनी हो जाती है। और अब इस सोल रिंग की सोल स्किल से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की अटैक पावर को 90% तक बढ़ा सकती है। अब हम निंग रोंग रोंग के छठी सोल रिंग की बात करते हैं जो कि उसे एक 25,000 साल से ज़्यादा के सोलबिस से मिली होती है। और ये सोल रिंग एक ब्लैक कलर की सोल रिंग होती है। इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की रिक्वायर्ड एबिलिटी को 70% तक बढ़ा सकती है और उस सोल मास्टर की एबिलिटी तुरंत ही 70% तक बढ़ सकती है। और जब निंग रोंग रोंग सीगो ट्रायल्स को पास कर लेती है तो इस सोल रिंग की एज बढ़कर 33,000 से ज़्यादा के सोलबिस जितनी हो जाती है। और फिर इस सोल रिंग की सोल स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यानी कि ज़रूरी सोल स्किल को तुरंत 90% तक बढ़ा सकती है। पहले से लेकर छठी सोल रिंग निंग रोंग रोंग को उसके ट्राइब या फिर श्रेक स्कूल की हेल्प से मिलती है। इन छः सोल रिंग्स के लिए उन्हें किसी न किसी सोल बिस्ट को पकड़ना ही पड़ा है। पर निंग रोंग रोंग की सातवीं सोल रिंग उसके सीगो ट्रायल के फर्स्ट ट्रायल को कम्प्लीट करने पर मिली थी। और ये सोल रिंग एक गॉड गिवन सोल रिंग होती है और इससे निंग रोंग रोंग को एक ब्लैक कलर की सोल रिंग मिलती है जिसकी एज एक 50,000 साल से ज़्यादा के सोल भी जितनी होती है। निंग रोंग रोंग की सेवन सोल रिंग की सोल स्किल उसकी मार्शल सोल यानी कि 9 ट्रेजर अवतार फॉर्म होती है। लेकिन इस मार्शल सोल फॉर्म का इस्तेमाल निंग रोंग रोंग अपने लिए नहीं कर सकती है बल्कि दूसरे सोल मास्टर को अपनी मार्शल सोल अवतार की प्रोटेक्शन जरूर दे सकती है। और निंग रोंग रोंग अपनी मार्शल सोल फॉर्म की मदद से किसी भी सोल मास्टर की सोल एबिलिटी को 80% तक बढ़ा सकती है। ऐसा करने में निंग रोंग रोंग की बस आधी सोल पावर ही खर्च होगी। और जब निंग रोंग रोंग सीगॉट के ट्रायल्स को पास कर लेती है तो इस सोल रिंग की एज बढ़कर 58,000 साल से ज़्यादा के सोल भी जितनी हो जाती है। और अब निंग रोंग रोंग किसी भी सोल मास्टर की सोल एबिलिटी को 90% तक बढ़ा सकती है। निंग रोंग रोंग को उसकी आठवीं सोल रिंग उसके सीगॉट ट्रायल के 7 टेस्ट को पास करने पर मिलती है। ये एक गॉड बेस्ड ओन सोल रिंग होती है। निंग रोंग रोंग की ये सोल रिंग एक लाल रंग की सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग होती है और इस सोल रिंग की एज 1,00,000 साल से ज़्यादा की होती है। इस सोल रिंग की सोल स्किल को 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन कहते हैं और ये सोल स्किल निंग रोंग रोंग की सीक्रेट लाइफ सेविंग सोल स्किल होती है। इस सोल स्किल का यूज़ करते ही निंग रोंग रोंग एक 7 मीटर लंबे 9 ट्रेजर ग्ले स्टाइल पैगोड़ा के प्रोटेक्शन में चली जाती है। निंग रोंग रोंग की ये सॉल स्किल लगभग एक अनब्रेकेबल सॉल स्किल होती है क्योंकि इस सॉल स्किल के प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए किसी भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को अपनी 9 सॉल स्किल को 9 बार यूज़ करना पड़ेगा जो कि लगभग नामुमकिन है। एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर अपनी 9 सॉल स्किल को मैक्सिमम 2 बार ही यूज़ कर सकता है। तो इस हिसाब से निंग रोंग रोंग के इस लाइट प्रोटेक्शन स्किल को तोड़ने के लिए 9 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को एक साथ अपनी 9 सोल स्किल को यूज़ करना पड़ेगा तभी वे इस लाइट प्रोटेक्शन को तोड़ सकते हैं। और इसके बावजूद भी इस लाइट प्रोटेक्शन पर जो भी अटैक होगा वो इसकी डिफेंसिव एबिलिटी में चेंज हो जाएगा और वो अटैक रिफ्लेक्ट होकर वापस उस अटैकर को जा लगेगी। इसी वजह से ये सोल स्किल निंग रोंग रोंग की अनबीटेबल लाइफ सेविंग स्किल बन जाती है। अब हम निंग रोंग रोंग की 9वीं सोल रिंग की बात करते हैं। निंग रोंग रोंग को उसकी 9वीं सोल रिंग उसके सीगो ट्रायल के 7 ट्रायल को पास करने पर ही मिल गई थी पर उस समय निंग रोंग रोंग की सोल पावर लेवल 90 तक नहीं पहुंची थी जिस वजह से 9 सोल रिंग उसके बाकी सोल रिंग के साथ मर्ज नहीं हुई थी। पर जब तैंग सैंग सीगॉड बन जाता है तो उसके बाद निंग रोंग रोंग की सोल पावर लेवल 90 पर पहुँच जाती है। इसके बाद निंग रोंग रोंग की 9वीं सोल रिंग अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और फिर बाकी सोल रिंग के साथ मर्ज हो जाती है। निंग रोंग रोंग की इस सोल रिंग की एज लगभग 2,00,000 साल से ज़्यादा की होती है और ये एक रेड कलर की सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग होती है। इस सोल रिंग की पहली सोल स्किल को 9 ट्रेजर इनविंसिबल गोल्डी लाइट कहा जाता है। ये सोल स्किल लगभग जावू के इनविंसिबल गोल्डन बॉडी की तरह ही होती है पर इसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। जावू अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को एक दिन में 3 बार और 3-3 सेकंड के लिए ही यूज़ कर सकती है
पर निंग रोंग रोंग की नाइन ट्रेजर इनविंसिबल गोडली लाइट एक दिन में 10 बार और 10-10 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सॉल स्किल की प्रोटेक्शन निंग रोंग रोंग किसी भी सॉल मास्टर को दे सकती है और इस सॉल स्किल को इस्तेमाल करने से उसकी सॉल पावर भी बिल्कुल कम नहीं होती है। अब इस सॉल रिंग की दूसरी सॉल स्किल को रेजरेक्शन गॉड लाइट कहा जाता है। इस सॉल स्किल के इस्तेमाल से निंग रोंग रोंग किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, पर इस सॉल स्किल का इस्तेमाल वो तभी कर सकती है जब ऑस्कर उसके साथ हो, क्योंकि ये सॉल स्किल एक स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है जो सिर्फ ऑस्कर के साथ ही कम्प्लीट हो सकता है। पर यह फ्यूजन सॉल स्किल उसी डेड बॉडी पे काम करेगी जिसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हुई हो और साथ ही साथ उस बॉडी को मरे हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय ना हुआ हो। और इस सॉल स्किल को एक बार किसी मॉर्टल यानी कि इंसान पर इस्तेमाल करने के बाद निंग रोंग रोंग की सॉल पावर 1 महीने के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर निंग रोंग रोंग और ऑस्कर ने मिलकर इस फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किसी गॉड की बॉडी को पुनर्जीवित करने के लिए किया तो उसकी सॉल पावर पूरे 1 साल के लिए खत्म हो जाएगी। ये सॉल स्किल भले ही किसी की जान बचा सकता है, पर इसके इस्तेमाल करने के बाद निंग रोंग रोंग अपने किसी भी सॉल स्किल को यूज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकेगी। इसीलिए इस सॉल स्किल को इस्तेमाल करने की कीमत बिना सॉल पावर के 1 महीने या 1 साल रहना हो सकता है। वास्तव में ये सॉल स्किल एक गॉड लेवल लाइफ सेविंग सॉल स्किल है, पर इसे मॉर्टल स्टेज में इस्तेमाल करने की वजह से निंग रोंग रोंग को 1 महीने या 1 साल के लिए ये तकलीफ उठानी पड़ सकती है। अब हम निंग रोंग रोंग के कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें से पहला है हार्ट सेपरेशन स्किल। इस स्किल की मदद से निंग रोंग रोंग एक ही वक्त में अपनी डिफरेंट टाइप्स की सॉल स्किल्स को कम सॉल पावर का यूज करके किसी भी सॉल मास्टर को उसकी रिक्वायर्ड एबिलिटी को बिना रुके बूस्ट कर सकती है। जैसा कि अगर सॉल मास्टर की संख्या 10 है और सबको एक ही टाइम पे अलग अलग एबिलिटीज को बूस्ट करने की जरूरत है, तो निंग रोंग रोंग बिना वक्त गवाए उनकी जरूरत वाली एबिलिटीज को तुरंत बूस्ट कर सकती है। और आखिर में निंग रोंग रोंग के पास एक राइट आर्म सोल बोन भी है और इस सोल बोन का नाम इल्यूजनरी विजडम राइट आर्म सोल बोन है। और इस सोल बोन की मदद से निंग रोंग रोंग एक इल्यूजन क्रिएट कर सकती है जो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। और इस इल्यूजन के इफेक्ट के अंदर की चीजें ना तो दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, और इसके इफेक्ट से असली नकली का भी जल्दी से पता नहीं चल पाता है। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैंने निंग रोंग रोंग के सॉल स्किल से रिलेटेड सारी चीज़ों को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।